मैं ये बात मजबूरन एक जरूरत समझ के कर रहा हूँ, वो ये है कि हमारे हर साथी को वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहिए। हमारे हर साथी को वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहिए। हर मस्जिद की जमात के तमाम साथियों को अपना वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहिए और अपने मोहल्ले के साथियों के भी वोटर आईडी कार्ड बनाने चाहिए। हाल इस वक्त कानून में तब्दीलियां आ रही हैं और ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं कि जब कानून लागू हो जाएगा, और लागू होने में देर नहीं है, जब कानून लागू हो जाएगा तो यह आधार कार्ड नहीं चलेगा। जो कानून में तब्दीली आ रही है वो बहुत जल्द आने वाली है, कोई कह नहीं सकता कितनी जल्दी आएगी। जब वो तब्दीली आएगी तो यह आधार कार्ड नहीं चलेगा, फिर वो वोटर आईडी कार्ड चलेगा। और उसकी जरूरत तुम्हें हर जगह पड़ेगी, उसकी हर जगह जरूरत पड़ेगी। पासपोर्ट बनाना है तो आधार नहीं चलेगा, वोटर आईडी कार्ड चाहिए पासपोर्ट बनाने के लिए। अब मुल्कों में जाना है आपको, आपको पासपोर्ट बनाना है तो आपको वोटर आईडी कार्ड चाहिए पासपोर्ट बनाने के लिए, आधार कार्ड नहीं चलेगा। अभी होता है हमारी जमातें बाज़ ऐसे इलाकों में जाती हैं जहाँ वीजा नहीं है, माहौल नहीं है, बंजर इलाके हैं, वहाँ कोई ना कोई जाके कंप्लेंट कर देता है दहशतगर्द आ गए। क्या बोलते हैं, आतंकवादी, आतंकवादी आते हैं, कोई जाकर कंप्लेंट कर देता है, कोई ये जाकर कंप्लेंट करता है। जब कंप्लेंट करता है तो पुलिस की जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है, उनका काम है कि वो तहकीक करें कि यह जो कंप्लेंट है सही है नहीं है। वो जमात पुलिस आती है और वो जमात को आकर देखती है, भाई कहाँ से आए, कौन हो तुम्हारा। अब वो आधार कार्ड दिखाते हैं तो हम चले जाते हैं, लेकिन आइंदा ये नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कानून में तब्दीली आ रही है, बहुत जल्द आएगी, कब आएगी कोई नहीं बता सकता, जब आ जाएगी तो ये आधार कार्ड नहीं चलेगी। अब हमारी जवानों को आते हैं पूछते हैं, और अगर इनके पास कुछ भी नहीं रहा तो फिर इनको ले जाते हैं थाने, फिर वहां ले जाके इनके एड्रेस लेते हैं, फिर वहां के पुलिस स्टेशन से पूछते हैं इनके बारे में, तहकीक करके बोलो ये काम वाले हैं सही है गलत है कौन है। हर हर जगह पर जरूरत पड़ेगी इसकी। अब मैं बता रहा हूँ ना आपको, मुल्कों में जाना है, पासपोर्ट बनाना है, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा वोटर आईडी कार्ड के बगैर। यहां तक के आप जमीन नहीं खरीद सकोगे, घर नहीं खरीद सकोगे, तुम्हारा प्लान सैंक्शन नहीं करा सकोगे। बहुत लंबी तफसील है, कदम कदम पर जगह जगह जरूरत पड़ेगी। बच्चों के गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिले के लिए जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं बहुत जरूरत समझ के ये बात कर रहा हूं, और मैं जिंदगी में पहली बार ये बात कर रहा हूं। मैंने कभी किसी जोड़ में इज्तिमा में नहीं बात की, लेकिन मैं एक जरूरत समझ रहा हूं कि अगर ये नहीं की तो बहुत तकलीफों का सामना होगा, परेशानियों का सामना होगा, और वो वक्त ऐसा होगा कि उस वक्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा, उस वक्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा। इसलिए भाई हर मस्जिद की जमात वो अपने साथियों का वोटर आईडी कार्ड बनाए, अपने मोहल्ले वालों का भी बनाए, खुसूसन औरतों का। इनको कही कुछ भाई का चूल्हे कोठी में रहने वाले, अरे भाई जचकी के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो उसके बगैर दाखला नहीं मिलेगा, तो प्राइवेट अस्पताल में गए तो 2 लाख रुपए देना, कितने हो रहा है आजकल, दर्शकों को कितना होता है, वो छोटे अस्पताल में बच्चों के स्कूलों में दाखिले के लिए जरूरत पड़ेगी।
हर जगह जरूरत पड़ेगी इसकी। ऐसे हालात आ रहे हैं और कब ये हालात आएंगे किसी वक्त भी हो सकता है, हो सकता है सोकर उठे तो हालात बदल जाएंगे। इसलिए मैं एक जरूरत समझ के ये कह रहा हूं कि मस्जिद की जमात इसको अपना काम समझ के करें, अपने भी वोटर आईडी कार्ड बनाए, अपने साथियों के भी बनाए। छोटी छोटी जो जमातें हमारी गली गली के लिए बनी हुई हैं, वो जमातें गली गली में जाके वहां बनाए। और अभी हमने बेंगलुरु के इज्तिमा चार देखे, चार इज्तिमा में 70% नौजवान थे, 70% नौजवान थे। और मैं समझता हूं कि ये 70% नौजवानों के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। अच्छा, जब मुझे लोगों ने ये बातें समझाई तो फिर मैं घर जाके मेरे पोतों से पूछा, तो मेरे 3 पोतों के 18 साल हो गए हैं, एक के पास भी नहीं है। भाई बयान कर रहा हूं उन्हें। अच्छा, ये बच्चे आजकल के बहुत होशियार हैं, वो इंजीनियर को नहीं आता, सब इनको आता है। तो फिर मैंने उन बच्चों से कहा कि ये बनाओ था होना, किसने दिन पूछा तो उन्होंने बोला मैं बना गया। अरे पैसा का बना गया तू तो मेरे मोबाइल में ऐप डाला, उसमें पूरा डिटेल डाला होगा। तो वो इतना आसान है कि वो ऐप वहां जाकर उस घर में बैठकर उनके घर वालों में से किसी के मोबाइल में, किसी के पास भी मोबाइल हो वो ऐप डाउनलोड, उसके वो सारी डिटेल डालेंगे तो बन जाएगा उनका, कोई उसके लिए कोई बड़ा लंबे थोड़ा झंझट नहीं है। तो आप जो घर में जाते हो मुलाकात के लिए, वहां जाके वो ऐप साथ ले लो, वहां बैठकर उनको उनके किसी के फोन में ऐप डाल दो और वो पूरा जो कुछ मांगता है वो उसमें डाल दें, वोटर आई डी बन जाए। तो ये 18 साल के बच्चे, अरे इनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, बात स्कूटर सब छोड़ जाए तो साइकिल चलाना तुम्हें, स्कूटर सब बेच दो साइकिल चलो, क्योंकि तो ड्राइविंग लाइसेंस होना उसे तुम्हारा वोटर आई डी कार्ड ना हो तो क्या करना आसान, हम साइकिल चलो। ये सब बड़ी जहमतें हैं, परेशानियां आ रही हैं, किसी वक्त भी ये चीज आ सकती है। इसलिए मैं ये कहता हूं रमजान से पहले पहले ये काम कर लो, रमजान से पहले पहले ये काम कर लो। अभी कहते बजे रमजान पूरे 8 दिन ही, पूरे 8 दिन में रात को 12-12 बजे तक करो, खासकर मगरिब से लेकर इशा तक, इशा के बाद तक तुम्हारे 2.5 घंटे इसमें लगा दो रमजान में, जो कमी हो गई वो रमजान में पूरी कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह हर हल्के में और हर शहर में हमारे ऐसे नौजवान नहीं, ऐसे नौजवान नहीं जो माशाल्लाह ये पूरा समझते हैं, उनको पूरा आता है। पीयूसी पढ़ने वाले बच्चे वो जानते हैं, आप उनको साथ ले लो, साथ लेकर उनको आप उनके साथ उनकी सरपरस्ती करो, इंशाल्लाह वो काम कर लेंगे, वो कर लेंगे। फिर भी तुम्हें अगर जरूरत है तो मैं पूरे सूबे से कह रहा हूं, पूरा सुबह यहाँ जमा है, आंध्रा जमा है हमारा, आंध्रा सुबह भी जमा है, हमारा सुबह भी जमा है। मैं सबसे कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो हमारे प्रोफेशनल्स जो हमारे इंजीनियरिंग के प्रोफेशनल्स हैं वो इंशाल्लाह तुम्हारी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं, बुलाओ तो तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है। और इसकी भी जरूरत नहीं, हर हल्के में हर शहर में ऐसे नौजवान हैं जो माशाल्लाह ये कंप्यूटर का सारा निजाम समझते हैं, वो इंशाल्लाह कर सकते हैं। उनको समझाने की जरूरत हो तो उसके लिए हमारे पास सभी तैयार है, आप उनको ले लो और
ले करके इस काम को करो, रमजान से पहले पहले ये काम हो जाना। 8 दिन कोई मामूली वक्त नहीं है, पूरी तरह जमकर जुट कर इसमें जुट जाओ और जुट कर ये 8 दिन में यह काम पूरा करता। रमजान आने से पहले ये काम कर दो, या रमजान से फिर रमजान में एक सुई से तबलीग भी करो, इबादत भी करो, और रमजान तक ये 8 दिन यज काम करो, 2.5 घंटे इसमें लगो, 8 घंटे इसमें लगो, रमजान से पहले पहले ये काम खत्म करो। ठीक है इंशाल्लाह। जो उलमा साल के लिए तैयार हैं उनको